दुनिया भर में प्रतिवर्ष लगभग 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। भारत में प्रतिदिन 381 आत्महत्या के केसेस दर्ज होते हैं, जिसका मूल कारण कोई ना कोई मानसिक बीमारी है। डिप्रेशन दुनिया भर में पाए जाने वाली सारी बीमारियों में दूसरे स्थान पर है। मानसिक बीमारियों का इलाज करवाने में सबसे बड़ी बाधा है हमारी उसके प्रति गलत धारणा और शर्म। मानसिक बीमारियां पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं, बस जरूरत है तो हमारा उसके प्रति नजरिया बदलने की और सही समय पर डॉक्टर से मदद लेने की, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य। मेंटल हेल्थ इज एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ, सो ब्रेक द स्टिग्मा एंड सीक हेल्प। थैंक यू। अजिंक्य बोल रहा है क्या? अरे पैसा कब चुकाएगा बे तू? कितने दिन से फोन नहीं उठा रहा बे? अरे दे दूंगा ना पेमेंट। अबे कब देगा? साले औकात नहीं तो उधार काय को लेता बे? बात करने का ढंग संभालो पहले। अबे वो छोड़, पैसे कब दे रहा वो बता। मैंने बोल दिया ना 2 तारीख को दूंगा। पिछले 2 महीने से तो यही बता रहा तू। आज तो तेरे को 2 तारीख याद दिलाऊंगा ही, समझा? करना साहब, अबे मर्द बन मर्द, क्यों बे बैटरी? मैं वही तो सोच रहा हूँ कि गोली खाऊं चाकू से, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। डोंट वेस्ट टाइम ऑन हिम मैन, ही इज गुड फॉर नथिंग, ही इज सच अ लूजर। अजिंक्य, इन सब की मत सुन, माँ के बारे में सोच। अजिंक्य कहाँ है ब्रो? दरवाजा खोल यार, इतना टाइम कहाँ लगा रहा है? अजिंक्य इतना टाइम लगता क्या यार, अबे दरवाजा तो खोल। अजिंक्य कहाँ है ब्रो? अरे सैम, इतनी देर दरवाजा खोलने में, कोई है क्या अंदर? सैम हाँ, कोई है लगता है। नहीं कोई है? नहीं कोई नहीं है सैम। तो फिर इतना टाइम क्यों लगता है दरवाजा खोलने को? अरे वो, और ये सब लाइट क्यों बंद है? इतना अंधेरे में क्यों बैठा है यार? मैं वो थोड़ी इतने अंधेरे में क्या कर रहा था? चल मामू की चाय पी के आते हैं अभी। हाँ नहीं, अरे नहीं चल ना, चल चेंज करके आ जा यार, समझना, चेंज करके आ, चेंज करके आ। ओ लड़की ब्यूटीफुल कर गए चल, टा टणा टा टा टणा टा टा टणा टा।
हेलो 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 मैम, सैम बोल रहा हूँ। यस मैम, एक अपॉइंटमेंट चाहिए थी आज शाम की। ओके ओके 7 बजे। ओके ओके मैम, वी विल बी देयर। ओके थैंक यू। अजू क्या कर रहा है यार, मुझे बताया भी नहीं यार। अरे आ गए तू, चल। क्या यार? अरे चल ना, मामू की चाय पी के आते हैं। लेट्स एंजॉय सम लाइफ। चल यार। क्या रूम में अकेले बैठे रहता है यार, चल ऐश करके आते हैं। चल चल बैठ। चल तू आगे चल, मैं चाय लेके आया। ये ले। पता है तेरा फेवरेट स्पॉट था ये। अपन यहीं पे आया करते थे कॉलेज के दिनों में, भूल गया क्या? तेरे को पता है पलक को मैंने प्रपोज भी यहीं पे किया था। हाँ यार याद है मुझे। ये ले। नहीं यार। अरे क्या हो गया यार तेरे को, क्या हुआ ऐसा? कितना मजा करते थे अपन, यहीं पे तो आते थे, दिन रात यहीं पे तो बैठा करते थे। चल अजू चलते अपन, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला यहां पे आया हूं। चल व्हाट्स रॉन्ग विथ यू यार, कम ऑन चल। खुशियाँ
हंसता सा चेहरा आंखों में तेरा आज भी बसता है ना। दुनिया ने मुझको मुझसे ही छीना, खुद को ही पहचानना। सैम, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ, और तेरी? मेरी भी। सुन ना, हम यहाँ किसी से मिलने आए क्या? हाँ, मेरे दोस्त है कोई अपना जिसे इलाज की जरूरत है। मैं ठीक हूँ यार। तू ठीक है? हाँ, मुझे पता है तू किसी को बताना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है सैम। अज्जू, चल मैं तुझे आज एक बात बताता हूँ। फिर? ये देख सैम, ये क्या है? तू आज जिस कंडीशन से गुजर रहा है ना, उस कंडीशन से मैं पिछले साल गुजरा। क्या? और बाहर भी निकला। क्या? हाँ, और आसावरी मैडम ने ही मुझे उससे बाहर निकाला। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं क्या कर बैठता। ये तूने कभी बताया नहीं? कभी मौका ही नहीं मिला यार। चल छोड़, तू रुक यहाँ पे, मैं अभी आया। लेकिन सैम, मेरा एक फ्रेंड है अजिंक्य नाम का, मैंने नाम लिखा है था उसका। हाँ, लिखा है। है मैम, यहाँ पे है। हाँ है ना, दो तीन पेशेंट है, उसके बाद लग जाएगा आपका। ओके ओके। अरे ओ भाई, तुझे बोला था ना, जो भी करना है आज ही करना है। यहाँ क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं? और ये क्या जगह है? Can't you see? It's a psychiatric clinic. पागलों का दवाखाना। They just prescribe sleeping pills, man, and you become just a vegetable. Let's get the hell out of here. देख, मैंने बोला था ना, घर से बाहर नहीं निकलते, पर तू सुनेगा तब ना। अब लोग हमें पागल बोलेंगे। चल निकलते हैं यहाँ से। कितना डरता है तू? हाँ, अरे इसकी गोली लेने से अच्छा अपनी गोली ले ले, एक ही झटके में खलास, समझा? चल घर चलते हैं, सब रेडी है। गाइस प्लीज स्टॉप इट, थोड़ी देर चुप रहो यार। देख अजू, आज तक जितनी भी मुश्किलें आई है उसका तूने डट के सामना किया है ना? तो फिर अब ऐसा क्यों कर रहा है भाई? क्या करूं? एक तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, कोरोना में पापा की डेथ हो गई, लॉकडाउन में मेरा जॉब चला गया, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, और कर्ज का पहाड़ हो गया है वो अलग। ए बाबा देख, मैं बोलता हूं ना, गोलियां खा लेते। ए चुप, क्यों फुसला रहा है उसको? अज्जू तू सोच ले, तू एक फाइटर है अपने नाम की तरह। किसको जरूरत है मेरी, और मेरे बारे में सोचता ही कौन है? वो है ना झुमरू। मैं चाहता हूँ मेरा दोस्त भी जल्दी से ठीक हो जाए। सर जाइए, आपका नंबर लग गया। थैंक यू सिस। चल अजिंक्य। अरे सैम, तू चल, देख पलक का फोन है, तू चल तो सही। अरे तू चल। हेलो डियर। मैम, मे आई कम इन? यस। मैम, समीर से बात हुई थी। ओ यस, अजिंक्य ना? यस मैम। प्लीज कम। सो अजिंक्य, टेल मी, तुमको कब से ये सब लग रहा है? मैं समझा नहीं मैडम। समीर ने मुझे फोन पे सब कुछ बता दिया है, तुम बेफिक्र होके मुझसे बात कर सकते हो। मैम, इतने में थोड़ा सैड फील कर रहा हूँ। किसी बात में मन ही नहीं लगता।
क्या बे, प्रवचन दे रहा क्या उसको? अबे वो तेरी कोई मदद नहीं कर सकती, समझा क्या? अबे वो तेरे को नींद की गोलियां देगी, गोलियां क्यों बे बैटरी? अजिंक्य, कब से सैड फील कर रहे हो? शायद कुछ एक महीने से। ओके, और नींद और खाना बराबर से हो रहा है? नहीं मैम, आजकल नींद भी नहीं आती, भूख भी नहीं लगती। ओके, एक्चुअली किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता। ओके, ऑल राइट। रिसेंटली कोई इंसिडेंट हुआ है प्रोफेशनल या फैमिली लाइफ में? डोंट टेल हर एनीथिंग बडी, इट्स अ ट्रैप। वंस यू एंटर इट, पीपल विल थिंक यू आर क्रेजी मैन। हाँ जरूर बता, सब कुछ बता। कौन क्या सोचता है ये तू मत सोच। आज जो भी कुछ हुआ है ये सब मैडम को बता। देखना, मैडम हमारी जरूर मदद करेगी। हाँ बता दे, सब बता दे। लटकने वाला था, गोलियां खाने वाला था, नसें काटने वाला था, बता दे सब बता। मच बंद कर रहे। अजिंक्य, क्या हुआ है आज तुम्हारे साथ? यस मैम, मैम 2 महीने पहले कोविड के कारण मेरे पापा की डेथ हो गई और मैं कुछ नहीं कर सका। परिवार की सारी जिम्मेदारी अब मुझ पर आ गई थी। उससे उभर ही रहा था और लॉकडाउन में मेरी जॉब चली गई। ओके, और कर्ज का पहाड़ हो गया है। मैम मेरा मतलब, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये इस सिचुएशन को कैसे संभालूं। मैं हार गया हूं, अब मुझे जीना ही नहीं है मैम। इसलिए आज मैंने सुसाइड करने की कोशिश भी की। ओह आई सी, तुम्हारी कंडीशन में पूरी तरह से समझ सकती हूँ अजिंक्य। जब भी हमारे लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो हमारी हालत बिल्कुल इसी तरह होती है, और ये सबके साथ होता है। नहीं मैडम, ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। आई एम होपलेस, आई एम लूजर, आई एम लूजर। अरे यार फिर से तेरा वही चरोना, कान पक गए यार मेरे, बंद करना यार। ए इंग्लिश अल्फाज कुछ बताना उसको। ट्रू मैन, जस्ट फिनिश इट। अज्जू, ए अज्जू, गोली लेते ना यार, गोली सही रहेगी, ज्यादा दर्द भी नहीं होगा, और मुझसे ना खून भी देखा नहीं जाता। अजिंक्य, गोली ही सही है अज्जू। अजिंक्य, ये तुम नहीं, तुम्हारा डिप्रेशन बोल रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम इस सब से निकल नहीं सकते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसके हाथ या पैर को चोट लग जाए, तो उसका इलाज करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अबे वो तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। कैसे कैसे लोग है दुनिया में, चैन से मरने भी नहीं देते। अजिंक्य, हेलो अजिंक्य, ठीक उसी तरह मन पे जब चोट लगती है तो उसका भी इलाज किया जा सकता है। दिक्कत यह है कि शरीर पर लगी चोट सबको दिखाई देती है, लेकिन मन की चोट दूसरों को क्या, खुद को भी दिखाई नहीं देती, इसलिए उसका इलाज करने का हम सोचते तक नहीं। मन की चोट? मन की चोट? यस, मन की चोट। मन की बीमारियों का भी इलाज होता है। क्लिनिकल डिप्रेशन कुछ मेडिसिन और काउंसलिंग के जरिए पूरी तरह ठीक होता है। जरूरत है तो आगे बढ़ने की और एक्सपर्ट से सही ट्रीटमेंट लेने की। तो क्या कहते हो अजिंक्य, इस लड़ाई में
तुम्हें जीतना है या नहीं? भूलना मत, तुम्हारा तो नाम ही अजिंक्य है। ओह शिट मैन, व्हाट हैपनिंग? अबे ए, क्या हो रहा है बे? अज्जू, अज्जू, मैंने बोला था ना, गोली खा के मरते हैं ना भाई। अज्जू, एकदम राइट चॉइस, मुझे पता था तुम एकदम सही निर्णय लोगे। बी अ वॉरियर अजिंक्य, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। वेलकम। यस मैम, थैंक यू मैम। यस यस, अच्छा हो जाएगा। रुक रुक रुक, आया वो, चल रखता हूँ मैं, बाद में बात करते। और अज्जू, बात हो गई मैडम से? हाँ हो गई। सॉरी यार, मैं थोड़ा लेट हो गया, भाभी का कॉल आया था। नहीं मेरे दोस्त, तू लेट नहीं हुआ, आज तो तू सही वक्त पे आया है। अच्छा, आज तू सही वक्त पे नहीं आता ना तो शायद मैं लेट हो जाता। तू लेट हो जाता? मैं लेट हो जाता मतलब? अरे अजू सुन तो, बता ना मतलब क्या है। मैडम ने कुछ बोला क्या? क्या बोले मैडम, मुझे भी तो बता। हंसता सा चेहरा, आंखों में तेरा आज भी बसता है ना।